So I'd like to give some mention on this evening. सबको मैं वेलकम करता हूँ। आज का दिन हर एक की जिंदगी में आता है, इसी तरह ये सिलसिला चलता है, लोग आते हैं जाते हैं। उसी कड़ी में हमें भी आज मौका मिला के हम भी किसी वक्त स्कूल में दाखिल हुए थे। जैसे अभी मेरे जीजा जी ने बताया कि मुझे वो वक्त भी याद है कि जब ये स्कूल में एडमिशन ली थी, तो वक्त गुजरता जाता, वक्त का पता नहीं चलता कितना टाइम, तो हमें पता नहीं चला कि हमने भी 89 में इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, एज टीचर ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मुझे याद है कि जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तो मेरे उस्ताद ही थे मोहतरम जो जो हमें पढ़ाया करते थे बचपन में, जब पढ़ते थे तो वही वहाँ पर हेडमास्टर थे। जहाँ मैंने ज्वाइन किया तो वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अनेक सही टीचर उस्ताद थे, तो उन्होंने हमें सीधा रास्ता पढ़ते समय भी दिखाया। और जब मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तो तब ही उनके पास जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने इंशाल्लाह अच्छा माहौल दिया हमें, और उसी माहौल की वजह से शायद हम आज स्टेज पर पहुंच गए। हमें कोई मुश्किल इस रास्ते में नहीं आई है। मैंने 33 साल 10 महीने और 26 दिन सर्विस की है टोटल, तो मैं कहता हूँ कि उन्हीं लोगों की गाइडलाइन की वजह से हमें कोई परेशानी आज तक नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर भी एक डेडिकेशन थी। जब हमने ज्वाइन किया तो फिर उसी डेडिकेशन के हिसाब से हमें भी, हमारे अंदर भी वही एफर्ट डेवलप हो गई। हमने इस अपने पीरियड में यह कभी कोशिश नहीं की कि बिना मतलब के घर बैठेंगे हम, नहीं। पहला जो फर्ज था हमारा, हमने देखा कि हमने अपने स्कूल जाना है और कोई काम जब करना है उसको बाद में काम करना है। तो अच्छे लोग मिले हमें, उनकी वजह से हमारा सफर इंशाल्लाह ये जो तय कर लिया हमने मुश्किल नहीं आई। उसके बाद जब मैं एज लेक्चरर बना, मैं अपने हाई सेकेंडरी में मुझे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एज टीचर मुझे मैं मंजाकोट में रहा हूँ, यूपी में रहा हूँ, वहाँ पर रहा हूँ। तो जब हाई सेकेंडरी में गया तो वहाँ पर फिर मेरे एक उस्ताद थे, जो मैं 8th में पढ़ता था वो वहाँ पर मास्टर ग्रेड में थे, तो सदीक जी का नाम है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि पहले दिन मुझे गैसबुक मेंटेन नहीं करनी आती थी, उन्होंने कहा कि आपको काम आएगा भाई ये काम सीखो, और मैं कहता कि उन्हीं टीचरों की मदद की वजह से हमने सारा कुछ सीखा। तो एक टीचर के हाथ में बहुत कुछ होता है, हम टीचर को खून का मेहमान कहा जाता है। तो अगर हम अच्छे तरीके से चलेंगे, लोगों के बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे जैसा पेशा किसी और का नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है वो वक्त भी जब मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया तो मेरे भैया जी बैठे हैं, मैं घर में नहीं था तो ये ऑर्डर लेके मेरे लिए, मैं कहीं दूर था तो वहाँ गए कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है भाई, आप चलो ज्वाइन करो। तो मेरे को पता नहीं मुझे टीचर नहीं बनना है, क्योंकि मैंने फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था, ये भी डिपार्टमेंट में थे, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा नहीं मैं वहाँ जाऊँ, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं आपका ऑर्डर हो गया, अब चलो ज्वाइन करो फिर देखेंगे। तो इन्हें मुझे साथ नहीं और फिर जाके मुझे स्कूल में ज्वाइन कराया हुआ। तो खैर वो कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जो चीज़ें अल्लाह को मंजूर होती हैं वही सबसे बेहतर होती हैं। मेरा तो यही तरीका आज तक यही रहा है, और जो भी हमने कभी काम किया है ये हमने ये नहीं सोचा कि हमने हमारी को वाह वाह करेगा तो हम काम करेंगे, नहीं, हमने नेकदिली से काम किया, अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी पर रखा।
शायद इसी की वजह से आज हमें ये रिस्पेक्ट मिल रही है वहाँ पर। पहले तो मेरा उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हो गई, मैं उस वक्त तो हम 16 लोग प्रमोट हो गए थे, तो उनमें से सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिजोर में पोस्ट नहीं थी, शायद 2 के 4 मेडल थी उनको एडजस्ट किया गया था, बाकी सभी लोग जो थे वो कश्मीर में एडजस्ट हो गए थे। तो ये जीजा जी अब चले गए, जब मेरे साथ हम सेक्रेट गए, कोशिश की, लेकिन एक ही दिन बचा था, उस दिन अगर हम नहीं ज्वाइन करते तो फिर हमें वापस हो जाना पड़ा था, तो फिर हमें वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पर भी अच्छे लोग मिले, अच्छा वहाँ पर भी सीखा हमने। ये मैंने कहा था कि मैं एक परफेक्ट आदमी नहीं, मैंने किसी को सिखाया नहीं, मैंने सीखा, सब सीखा, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन एक बात कहूँगा कि अगर नेगेटिविटी लेके कोई काम करेंगे तो वह कभी भी किसी मंजिल पर कभी चल पाएंगे। मैंने हर जगह यही कोशिश किया कि जब भी कोई भी काम किया तो सारे स्टाफ को बैठा के आप हमें ये काम कर रहा है, तो उसमें सब उसमें जब हाँ में हाँ मिलाई तो हमें कभी भी काम करने की परेशानी नहीं है। मैं आपको बता दूँ कश्मीर में मैं गया तो 2012 में वहाँ पर एक 15 किनार रखवा था स्कूल का, तो वो भी इसी तरह थोड़ा सा था, तो 2012 में उसका डिमार्केशन का ऑर्डर हुआ था, तो उन प्रिंसिपल साहब जम्मू के थे, उन्होंने भी 4 साल गुजारे लेकिन शायद वो नहीं कर पाए, तो मैंने वही ऑर्डर उठाया और मैं डीसी साहब के पास गया। डीसी साहब भी बड़े अच्छे लोग थे, वो पहले एजुकेशन में एज जॉइंट डायरेक्टर रही थी, तो जब मैं उनके पास गया तो ये 2012 का ऑर्डर आज तक डिमार्केशन नहीं हुई है, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे याद है कुलगम डीसी अफसर बैठे थे, उन्होंने फोन उठाया और तहसीलदार को कहा कि सिर्फ उन्होंने 1 हफ्ता दिया, 1 हफ्ते के अंदर ये डिमार्केशन होनी चाहिए, तो 1 हफ्ते के अंदर डिमार्केशन हो गया। फिर वो 15 किनार रकबा हमने वापस ले लिया, उससे पहले वो नहीं था, तो खैर वहाँ पर भी फिर मेरे मुझे 5 साल वहाँ गुजर के, जब मैं गया तो वहाँ पर बच्चे कहते हैं कि टाट पर बैठते थे, जी तो पर सिस्टम कुछ अलग था, 1 साल के बाद मॉडल सेकेंडरी बन गया। मेरी ख्वाहिश थी कि चलो यार ये कहीं कोई पैसा हमारे हाथ आ जाए, फंड्स वगैरह, तो हम क्या करेंगे, ये सिस्टम बदलेंगे। तो 2015 में वो मॉडल सेकेंडरी बन गया, मॉडल सेकेंडरी बन गया तो तब हमें कुछ 5 लाख ग्रांट आ गई, सीओ साहब ने बोला कि आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ कर सकते हो। तो वहाँ पर भी सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए डेस्क परचेज किए थे, हालांकि ये बहुत से रूल रेगुलेशन होते हैं, रूल रेगुलेशन को अवॉइड करते हुए मैंने एस एस सी का आप से हम आगे पीछे जैसा जेम का है इसे आगे पीछे परचेज नहीं कर सकते, उसी का भी एक डेस्क जो था 3800 का मिलता था, मैंने वो जाके डायरेक्ट इंडस्ट्री में पता किया तो वहाँ पर 2000 मिल रहा था। तो मैंने एक अपनी कमेटी बनाई, उसमें जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो रेजोल्यूशन बना लेते हैं, तो मैंने 2000 में वो डेस्क परचेज किया था, वो डेस्क परचेज करके लाया, मैंने कहा बच्चे नीचे बैठते ही अच्छी बात नहीं है, तो इन बिटवीन सीओ साहब हमारे पास आए, उन्होंने देखा सिर्फ मुझे पूछा रेट क्या, और मुझे कभी नहीं पूछा कि आपने कैसे किया, कभी किया कहाँ से, कभी नहीं पूछा। इंशाल्लाह वहाँ पर भी अच्छा काम किया, वहाँ पर भी मुझे अच्छा साथियों का साथ मिला। तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, तो कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा आप किसी के साथ बर्ताव करेंगे इसी तरह के हमें वो क्या क्या करेगा, हमारे साथ करेगा। तो मैंने यही सीखा कि भाई अगर प्यार से काम चल सकता है तो दाड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग देखे मैंने जब ऑफिसर चेयर पर होते हैं तो वक्त तो नशा हो जाता है मुझे तो नहीं, मेरे आज भी आपको बताऊँ कि गांधी जी को आज हम याद करते हैं, भाई क्यों याद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंपलिसिटी थी, उनका भी क्या था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आज हम सभी याद है क्या, कब से ये प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी उनको याद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी थी। तो जब एक इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कहीं कोई भी काम करने में परेशानी आएगी। जैसे मुझे वहाँ पर भी काफ़ी मैंने काम किया, मॉडल सेक्रेटरी बना, फिर उसमें काफ़ी जो कुछ भी नहीं था वहाँ पर भी ऐसे नहीं था, ऑफिस नहीं था और कुछ चीज़ें नहीं थी, तो कुछ लोगों के बीच में चॉइस नहीं होती थी, लेकिन मैंने वो एक बात में मुझे कहने लगे लेक्चर है कि भाई मुझे पता नहीं चलता कि जब आप किसी काम को हाथ लगाते हो तो गैप भी मदद आ जाती है, काम हो जाता है। मैंने कहा अगर सीधे तरीके से हम चलेंगे तो कभी हम परेशानी नहीं आई, कभी परेशानी, मैंने वहाँ पर भी इंशाल्लाह अच्छा काम किया। तो यहाँ की बात रही ये है
कुदरती अल्लाह ने मुझे ये सलाके का नाम सुना था लेकिन आ ही नहीं थे कभी से लिए। मैं सेक्रेटरी पे था तो मैं फाइल प्रोसेस की, मुझे छुट्टियाँ हो गई तो मैं घर आया तो मुझे लेक्चरर ने बोला कि आपने सेक्रेटरी नहीं जाना ट्रांसफर के लिए, आप सिर्फ घर बैठो साइन करो बिल पर तो काम चलेगा। मैंने कहा ये नहीं, मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे मेरी ट्रांसफर, मुझे दो बार ट्रांसफर कैंसिल करा ली थी पहले लोगों ने। तो फिर मैं जब सेक्रेटरी आया तो थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैं घर आया तो पीछे मुझे फोन आ गया कि आपकी ट्रांसफर हो गई है। यहाँ पर मैं पहले मैंने कहा यार लगा तो देखूँ, मैं एक और आदमी को साथ लिया तो यहाँ पर आए चक्कर लगा के तो कि नेबर साहब से इधर ही बैठे हम इधर आप आए बैठे इनके पास, इनको पूछा भाई यार सेक्रेटरी बन गया मेरी पोस्टिंग मिली। तो देखा कुछ नहीं था, मैं एक मॉडल सेंटर से आया था, क्या वहाँ पर कितना अच्छा था। अब मैंने सोचा पता नहीं शायद मैंने कहीं कोई वो प्राउड कर दिया और मुझे अल्लाह ने ऐसा भेज दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आके मुझे इच्छा था, अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पर भी। फिर हमने थोड़ी कोशिश की यहाँ पर, ये पहले से ही बना था इस बिल्डिंग का कि ये बनानी है लेकिन बन नहीं पा रही थी। कोशिश की, मैं एक ही यहाँ पर ज्वाइन किया था, मैंने उसके बाद ये सारा स्टाफ बाद लेक्चर लोग जितने बाद में आए। तो ये बात ये नहीं कि जो मैंने मेरी सोच थी कि ऐसा काम होना चाहिए, सब तकरीबन सब लोगों की सोच मिलती थी मुझसे, तब हमें किसी काम में परेशानी नहीं आई। सब लोगों ने ताउन किया, जैसे उम साहब मेरे साथ आगे, मीन सारे डेडिकेटेड लोग आगे, जितने भी लोग हैं सुभाष साहब आगे, ये अपने चंद्र साहब आगे, ये मैम जी मेरे साथ हैं, इन्होंने भी यहाँ पर दो साल निकाले। हालांकि यहाँ पर इतना दूर आज कोई भी आना नहीं चाहता, दूरी सीधी से हमने देखा तो ये मैम जी ने दो साल हमारे साथ यहाँ पर दिए। तो आज मुझे वक्त याद है कि अभी जब हमने डिसमेंटल किया तो मैं, मुझे पत्थर उठाने में भी शर्म नहीं आई कि मैं क्या करूंगा कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं पत्थर नहीं उठाऊंगा भाई। मुझे पत्थर भी जब मैंने उठाना शुरू किया तो मेरे साथ पूरा स्टाफ डिस्टर्ब हो गया, पूरे बच्चे लगे थे उस ग्राम से लेकर यहाँ तक पत्थर उठा रहे थे, स्टाफ भी लगा था, बच्चे भी लगे थे। तो सब लोगों ने मेहनत की और आज इंशाल्लाह बैठने की जगह बन गई है। अब सब ये सब लोगों ने इसके बारे में बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक यहाँ पर जाके 6,000 का तरपाल लाया था, वो अभी भी शायद पड़ा होगा। तो जब बारिश होती थी तो वो तरपाल लगा के हम क्या करते थे, सिर्फ नीचे रुकते थे, बैठने की जगह भी नहीं थी। ये नसीब साहब मेरे साथ थे तो इंशाल्लाह आज अच्छा हो गया जी, बन गया ये। तो आप आने के लिए, आने वाले वक्त में जो भी लोग आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर उनको मुश्किल नहीं आएगी। चलो ये हमारा फर्ज बनता है कि एक अगर अल्लाह किसी को मौका देता है किसी ऐसे स्टेज पर पहुँचाता है तो अच्छे काम करेंगे। हमेशा आदमी के काम याद आते हैं, ऐसे तो आदमी कुछ भी करेगा अपनी तरफ से अपना मुँह मीठो बनने की कोई बात नहीं होती है। जब आदमी को काम करेगा तो काम याद रहेगा। तो आज इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने खैर आखिरी स्टेज पे तो होता ही है कि हर एक आदमी चलो तारीफ करता है, लेकिन चलो हमें, मैं खुद नहीं कहूँगा कि मैंने अकेले किया बल्कि सबके ताउन से मिलकर मैंने किया। और बहुत सारे लोग आज मैंने देखा कि पहली बार जिनको एक शेर बोलने पर मजबूर हो गए, जैसे पुरुषोत्तम जी अभी हमारे पास पिछले साल आए, मेरे साथ 1.5 साल हो गया इनको। तो जब वो कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, आदमी का पता तब चलता है कि जब वो किसी का साथी, जब हम चलते हैं बैठते हैं बात करते हैं, तो उस वजह से इंशाल्लाह मेरा नेचर यही रहा। वही मैंने कहा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर हम शायद आपने आपको ज्यादा हाई फाई रखते तो शायद मुझे लगता है कि इतना रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता। तो अल्लाह ने मुझे यहाँ भी, मैं आपको बताऊँ कश्मीर में मैं रहा तो वहाँ पर भी मेरे पास 4 आइसक्रीम थी, एक जून था जिनकी वीडियो कॉल मेरे पास थी। ये अल्लाह ने मुझे एक था कि मेरे अंदर बर्दाश्त थी, हौसला था काम करने का, घबराया नहीं कभी मेरे लिए। ऊपर वाले को याद करते थे जरूर हम, क्योंकि जब ऊपर वाले की मदद होती है तो कभी भी हम किसी भी काम को आगे बढ़ाएंगे तो मुश्किल नहीं होती। तो इधर भी इंशाल्लाह ठीक चला, इससे पहले भी आप भी इस वक्त में मुझे क्या, क्योंकि ये हमारे जडियो साहब रिटायर होंगे तो वो जिम्मेवार भी मेरे साथ पड़ गया। उस वजह से आप ये आखिरी पीरियड यह था, हमारा स्टाफ भी चाहता था कि आप जो हमारे साथ बैठो एक आध महीना रह गया चलो कहीं, अभी पुरुषोत्तम जब की भी कह रहे थे उस सारा स्टाफ, लेकिन ये खास कर जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उस वजह से मुझे इस महीने में भी इनके साथ इतने बैठने के बाद नहीं मिला। तो कभी तो दौड़ना कभी दौड़ना, इंशाल्लाह वो भी शायद इस वजह से लोगों के साथ अलग बन गए
क्योंकि मैं इस सारी उम्र 25 साल तक तो मैंने अपने इलाके में की थी, फिर उसके बाद मौका मिला कश्मीर के, फिर उसके बाद यहाँ पर आके तो शायद अब इन लोगों के साथ बातचीत हो गई, जो कुछ मौका मिला इनका। तो इन लोगों ने आज खासकर ये बताया कि हमें एग्जाम चल रहे, आज की पार्टी का डिसाइड किया कि आज हमने ये इस डेट को रखी कि आज इस डेट को हमारे पास पेपर शायद वोकेशनल सब्जेक्ट का, लेकिन वो हमारे पास ये नहीं है क्योंकि अभी तीन एग्जाम है यहाँ पर, 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी। तो उस वजह से ये टाइम आज का ही दिन हमें मिला, हमने कहा कि बाद में रमजान आ जाएगा, लास्ट के डेट हम आप ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने यही कहा कि आज आप, मैंने कहा ठीक है अगर आपने ये डिसाइड किया तो फिर मुझे इनके साथ सब कुछ इन्होंने किया, मुझे कुछ इनको नहीं बताया कि कैसे करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा ये सब इन लोगों का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और खासकर कहूँगा कि इतना डेडिकेटेड स्टाफ मुझे शायद शब्द कहीं नहीं मिला। मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पर प्राइवेट क्लासेस थी तो जब भी कोई क्लास वैकेंट होती थी तो मैं इंशाल्लाह क्लास में जाके बैठता था। एक छोटी क्लासरूम में मैंने कभी नहीं पढ़ाया था, लेकिन छोटी क्लासों के साथ मुझे बैठ के पढ़ाने का मुझे और अजीब अच्छा लगा, छोटे बच्चों के साथ बैठना। बड़े बच्चों को पढ़ाना अलग होता है, छोटे के साथ बैठना अलग होता है। तो जब भी मैं कभी पीरियड वैकेंट दौड़ता था तो मैं खुद जाके क्लास में बैठ जाता था, मुझे देख के। खासकर इस साल का जो पहले तो बहुत अच्छा स्टाफ था, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आई है, तो सभी डेडिकेटेड थे, बिल्कुल टाइम पे आ जाते थे। हमें भी तो हैबिट थी कि टाइम पे आना भाई, टाइम पे जाना। तो उस वजह से सब लोगों की अगर ये हैबिट थी, इन लोगों ने अच्छी मेहनत की यहाँ पर, तो अच्छा पीरियड हमारा गुजर गया इंशाल्लाह। तो यही मेरी दुआ है कि आप इसके बाद भी इन लोगों का जो मेरे साथ रहे इंशाल्लाह मैं याद रखें जिंदगी भर। तो इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, पढ़े लिखे लेकिन साथ साथ एक आदमी को अच्छा इंसान होना चाहिए। जब अच्छा इंसान होगा तो उसको मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जाएगा किसी काम में भी उसको परेशानी आएगी। तो आज मैं फिर अपने सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। थैंक यू।